गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीमा गोयल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुला से, और आज मैं आपको मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज करवाती हूँ। तो हम पढ़ते हैं पहले सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चैप्टर नंबर 9 है। ये बेटा ऐसा है चैप्टर, जैसे आप लोगों ने 10th में एक चैप्टर पढ़ा है समांतर श्रेणी, ये उसी का एक वाइड रूप है। वहां वो छोटे स्केल पर था, यहाँ पर थोड़े से बड़े स्केल पर है। और जिन बच्चों ने, ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने 10th में नहीं पढ़ पाए या उनको नहीं समझ में आया तो अब समझ में नहीं आएगा, आपको इतने अच्छे समझाया जाएगा कि अभी भी आपको चैप्टर्स, ये जो चैप्टर है, सही से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम चैप्टर के नाम पर जाते हैं। चैप्टर का नाम है सिक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले हम देखते हैं कि इस सिक्वेंस का मतलब क्या होता है और सीरीज का मतलब क्या होता है। अब सिक्वेंस, सिक्वेंस का मतलब होता है, डेफिनेशन है इसकी सिक्वेंस की, नंबर्स रिटर्न इन डेफिनेट ऑर्डर या पैटर्न। कि अगर हम कुछ नंबर्स को, कुछ संख्याओं को, डेफिनेट का मतलब निश्चित, एक निश्चित ऑर्डर में या किसी पैटर्न के रूप में लिख दें तो वो एक सिक्वेंस कहलाती है। जैसे अगर हम ये लिखते हैं कि 1, 2, 3, 4, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें नंबर्स हमने लिखे हुए हैं और 2, 3 या 4 नंबर ऐसे लिखे हुए हैं कि हमें एकदम से अपने आप से ही ये पता लग रहा है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब आप सब बता सकते हो कि 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसका, 5। तो ये सब नंबर्स एक डेफिनेट निश्चित ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं सिक्वेंस। अनदर एग्जाम्पल इसका, 2, 2, 5, 8, 11। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 में अगर 3 ऐड करें तो 5 आता है, 5 में 3 ऐड करें तो 8 आता है, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि 11 इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, कि 11 में 3 ऐड कर दें 14। तो दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज आल्सो द सीक्वेंस। तो इस टाइप के जो नंबर्स अरेंज किए हुए होते हैं उन्हें हम सीक्वेंस कहते हैं। अब ये जो सीक्वेंस होती है ये दो तरह से होती है, फाइनाइट ऑर्डर, फाइनाइट सीक्वेंस, और एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, सीमित। तो वो सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स सीमित संख्या में, सीमित संख्या में है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे हमें ये पता है कि उसका लास्ट एलिमेंट क्या है, हम ये कह रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 up to 100। अब हमें पता है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये एक सीक्वेंस है, ये सेम ऑर्डर में अरेंज है और इसका लास्ट टर्म पता है हमें 100, तो इसे हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर हमारी कोई सीक्वेंस ऐसी है, इसी को हम ले अगर एग्जाम्पल कि 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे हम डैश करकर छोड़ दें, मतलब कि हमें नहीं पता कि सीक्वेंस कहां तक जा रही है, इसकी हमें लिमिट कहां तक लेनी है, लास्ट एलिमेंट क्या लेना है, तो इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये थी फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, एक बात और कि किसी भी सीक्वेंस में जो नंबर्स लिखे होते हैं इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। क्या कहते हैं इनको, टर्म्स। और टर्म के लिए हम इस चैप्टर में एक नोटेशन या एक साइन यूज करते हैं, ए, सिंबल यूज करते हैं ए, इन सबको हम ए ही कहते हैं। तो ए वन का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ए टू का मतलब होता है सेकेंड टर्म। ए थ्री का मतलब हो जाएगा थर्ड टर्म। तो ऐसे ही हम, अब फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस की, 2, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6, फोर्थ टर्म है 8, फिफ्थ टर्म है 10। तो ऐसे ही टर्म्स चलती रहती हैं और हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है। जैसे अगर हम इस सीक्वेंस को ले तो हमें ये नहीं पता कि ये, मतलब 100 लिखा हुआ है लेकिन हमें नहीं पता कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 10th टर्म है, 12th है, 50th टर्म है, 51st टर्म है, हमें नहीं पता है। तो इसको हम बोल देते हैं nth टर्म, nth टर्म, an, यानी कि लास्ट टर्म को हम an भी बोल देते हैं और कई बार हम जनरल टर्म को भी an बोल देते हैं। तो जनरल टर्म है उसे भी हम an बोल देते हैं। अब आती है बारी सीरीज। तो ये था ऑल अबाउट सीक्वेंस।
अब आती है बारी सीरीज की। तो अगर हम ये कहें कि A1, A2, A3, A4 ऐसे ही, दिस इज सीक्वेंस, इज अ सीक्वेंस, हमें ये दिया हुआ है कि ये एक सीक्वेंस है। तो अगर ये एक सीक्वेंस है देन A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू जितने भी इसमें टर्म्स हैं उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो दिस इज कॉल्ड अ सीरीज, दिस इज कॉल्ड अ सीरीज। तो इसे हम सीरीज कहते हैं। तो सीक्वेंस है A1 A2 A3 ये कह सकते हैं हम, सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 टर्म्स हैं इसकी। अगर ये एक सीक्वेंस है तो अगर सीक्वेंस को हम सम के रूप में शो कर दें तो दिस इज कॉल्ड अ सीरीज। तो ये है आपके चैप्टर का मतलब, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आपने पहले बेटा पढ़ी थी 10th क्लास में एपी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो हम कहेंगे टाइप ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस तीन टाइप की होती है। एक होती है एपी जो आप पढ़ चुके हो, ये भी आप पढ़ोगे, सेकंड यहां पर जीपी, और एक होती है एचपी। तीन तरह की सीक्वेंस होती है एपी, जीपी और एचपी। एपी, एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड होती है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और फिर है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसे हम कहते हैं हरात्मक श्रेणी। तो अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जनरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये थी आपकी सीक्वेंस जो है वो तीन टाइप की होती है, सीक्वेंस कहें या प्रोग्रेशन कहें, तीन टाइप की होती है एपी, जीपी और एचपी। एपी आप पढ़ चुके हैं, जीपी हमें पढ़नी है, और एचपी आपके सिलेबस में 10th में नहीं है। नाउ हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। का फर्स्ट क्वेश्चन है, हां बच्चों अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस तीन तरह की होती है, एपी, जीपी और एचपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। और जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसे कहते हैं हरात्मक श्रेणी। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। और फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। हमें कुछ सीक्वेंस की nth टर्म ए एन गिवन है और हमें उसकी पहली 5 टर्म्स बतानी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि ए एन इक्वल टू गिवन है हमें एन इंटू एन प्लस 2, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स। तो हमें फाइंड आउट करना है A1, A2, A3, A4, A5। A1 के लिए हमें दिखा, अगर ए एन ये है तो A1 n की जगह 1 रख देंगे, तो पुट n इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2। सॉल्व करेंगे 1 मल्टीप्लाई और 1 प्लस 2 इज 3, तो 3 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगी सीक्वेंस की 3। A2 का मतलब क्या होगा यहां से कि n की जगह 2 पुट करोगे आप यहां पर, 2 प्लस 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इज 4, तो A3 an ये गिवन है, A3
एन की जगह पर थ्री पुट कर दीजिए, ए थ्री, एन की जगह थ्री पुट करेंगे, थ्री थ्री प्लस टू, तो थ्री मल्टीप्लाई फाइव दैट इज फिफ्टीन। आगे है ए फोर, फोर इंटू फोर प्लस टू, एन की जगह पर हमें फोर पुट करना है, फोर मल्टीप्लाई फोर प्लस टू, तो फोर इंटू सिक्स दैट इज ट्वेंटी फोर। फिर ए फाइव, ए फाइव का मतलब क्या होगा कि हमें एन की जगह पर फाइव पुट करना है, तो फाइव पुट करेंगे यहां पर फाइव, और फाइव प्लस टू, फाइव मल्टीप्लाई सेवन इज इक्वल टू थर्टी फाइव। तो ये जो भी कोई सीक्वेंस गिवन है, ये ए एन इक्वल टू एन प्लस एन इंटू एन प्लस टू, तो हमें फर्स्ट फाइव टर्म्स बतानी थी, तो हमने बता दी है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और ए फाइव। अब इसी तरह से हमारा इसमें पहले पांच क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और पांचों ही क्वेश्चंस में हमें एन की वैल्यूज पुट करनी है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर टू है ए एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। क्वेश्चन नंबर टू है ए एन हमें गिवन है एन अपॉन एन प्लस वन, तो आप लिख सकते हो कि पुट एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड फाइव। जब वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वन, और ए वन का मतलब क्या है कि एन की जगह वन पुट करना है, वन अपॉन वन प्लस वन दैट इज वन बाय टू। ए टू, एन की जगह पर टू पुट करना है, टू अपॉन टू प्लस वन दैट इज टू बाय थ्री। ए थ्री, एन की जगह पर थ्री पुट करना है, थ्री बाय फोर। ए फोर, एन की जगह पर फोर पुट करना है, फोर बाय फाइव। और ए फाइव, फाइव अपॉन सिक्स। तो अगर हमें ए एन दिया हुआ है, ए एन गिवन है, तो हम पहली पांच टर्म्स या हमें जो भी उन्होंने टर्म कही है वो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए एन इक्वल टू 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 दी पावर एन। हमें ए एन दिया हुआ है टू की पावर एन, और फर्स्ट आइटम्स वही निकालनी है हमें, तो ए वन टू की पावर वन, ए टू 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 दी पावर टू, ए थ्री टू टू दी पावर थ्री, ए फोर टू टू दी पावर फोर, एंड ए फाइव विल बी टू टू दी पावर फाइव। सॉल्व करेंगे, टू की पावर वन क्या होता है, टू ही होता है, टू टू दी पावर टू का मतलब क्या है, टू मल्टीप्लाई टू दैट इज फोर। इसमें टू की मल्टीप्लाई आप तीन बार करोगे तो एट, इसमें टू की मल्टीप्लाई आप चार बार करोगे तो सिक्सटीन, और पांच बार करोगे तो थर्टी टू। तो हमारे सीक्वेंस की जो फर्स्ट फाइव टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, टू फोर एट सिक्सटीन एंड थर्टी टू, ये हमारी पहली फाइव टर्म्स आ जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर, ए एन इक्वल टू टू एन प्लस थ्री बाय सिक्स, टू एन प्लस थ्री बाय सिक्स। तो आप ये आप अपने आप करोगे बेटा क्वेश्चन, इसमें आपको सिर्फ एन की वैल्यू पुट करनी है और पहली पांच टर्म्स निकालनी है, और मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन नंबर फाइव, तो थोड़ा डिफरेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें ए एन गिवन है माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन। ए एन दिया हुआ है माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन, और फाइव टू द पावर एन प्लस वन, और इनटू में है फाइव टू द पावर एन प्लस वन। इन क्वेश्चंस को बेटा आप लोग जो इलेवन में बच्चे हैं वो ध्यान से करना, क्योंकि टेंथ में आपको थोड़ी सी आदत पड़ी होती है कि आप हिंदी में नीचे की तरफ लिखते हो, तो थोड़ा ध्यान से आप लिखोगे इस चीज को। फर्स्ट टर्म निकालेंगे इसकी ए वन, एन की वैल्यू हमें वन पुट करनी है,
तो माइनस वन टू द पावर वन माइनस वन, और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वन प्लस वन। हमें सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है, जहां जहां पर n है वहां वन पुट कर दो गया। तो माइनस वन की पावर जीरो और फाइव की पावर टू, और माइनस वन की पावर जीरो, किसी भी नंबर की जो पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू होती है वन, और फाइव की पावर टू का मतलब 25, यानी कि फाइव मल्टीप्लाई फाइव। फिर हम फाइंड आउट करेंगे ए टू, ए टू का मतलब क्या है कि एन की वैल्यू हमें टू पुट करनी है। अब टू कैसे पुट करेंगे, माइनस वन जहां पर एन है वहां पे टू पुट कर दीजिए, टू माइनस वन फाइव टू द पावर टू प्लस वन, माइनस वन की पावर टू माइनस वन वन, और इंटू फाइव टू द पावर थ्री। तो माइनस वन की पावर वन क्या होता है, माइनस आता है, और फाइव की पावर थ्री क्या होता है, वन ट्वेंटी फाइव। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि माइनस माइनस की पावर अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, एक तीन पांच सात, तो हमारा माइनस आता है, और माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो यहां पर प्लस आता है। जैसे नेक्स्ट है ए थ्री, माइनस वन टू द पावर थ्री माइनस वन, और फाइव टू द पावर थ्री प्लस वन, माइनस वन की पावर टू, और फाइव टू द पावर फोर, माइनस वन की पावर टू। अब माइनस की पावर एक सम संख्या आ गई है, टू इवन संख्या है, तो माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन कह सकते हो, तो ये आ जाएगा प्लस, और फाइव की पावर फोर का मतलब पांच की मल्टीप्लाई चार बार, फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव, पांच को ही हमें चार बार मल्टीप्लाई करना है, तो सिक्स ट्वेंटी फाइव। और ऐसे ही अब आप ए फोर और ए फाइव फाइंड आउट करोगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इसी मैनर में आप ए फोर और ए फाइव करोगे, ये आपके लिए है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसी का, एन इंटू एन स्क्वायर प्लस फाइव बाय फोर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एन गिवन है हमें एन एन स्क्वायर प्लस फाइव बाय फोर, एन स्क्वायर प्लस फाइव बाय फोर। तो वैल्यू निकालेंगे इसमें, पहले फर्स्ट फाइव टर्म फाइंड आउट करनी है। ए वन, एन की वैल्यू वन पुट करोगे, ए वन इज वन बाय में फोर है, और ये वन का स्क्वायर प्लस फाइव, तो वन का स्क्वायर वन प्लस फाइव बाय फोर, दैट इज सिक्स बाय फोर। फिर आप काट सकते हैं, टू से कट जाएगा तो थ्री बाय टू, तो ए वन की वैल्यू आती है थ्री बाय टू। ऐसे ही हम इसका ए टू फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ए टू के लिए क्या रहेगा कि हमें एन, जहां जहां पर एन है वहां पर हमें टू पुट करना है, टू टू स्क्वायर प्लस फाइव, तो टू टू स्क्वायर मतलब फोर प्लस फाइव बाय फोर। तो यहां पर आप लोग क्या करते हो, जो मैंने देखा है बच्चों में कमियां देखी हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप फोर से फोर काट देते हो, बट ये कभी ऐसे कटता नहीं है क्योंकि यहां पर प्लस आ चुका है। अगर यहां मल्टीप्लाई होता तो ये फोर से फोर कट सकता था, नीचे प्लस आ जाए या ऊपर प्लस माइनस कुछ भी हो, तो ऐसी वैल्यूज नहीं कटती हैं। हम इनको पहले जोड़ेंगे ऐड करेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे, टू मल्टीप्लाई नाइन बाय फोर। अब आप इसे मल्टीप्लाई अब हम काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा नाइन बाय टू। तो ए वन की वैल्यू आ गई है थ्री बाय टू, ए टू की वैल्यू आ गई है नाइन बाय टू। तो इसी मैनर में आप इसका ए थ्री ए फोर और ए फाइव भी फाइंड आउट करोगे, ये आपके लिए फिर आपने करना आप लोग करोगे। और एक बात और सब बच्चों के लिए कह रही हूं कि मैथमेटिक्स समझाने से आता है ठीक है, लेकिन जितना आप करोगे आपसे उतना ही ज्यादा आएगा, करने से आता है। हम आपको 10 बार समझा दें तो आप आपको आप पेपर में करने लायक नहीं बनोगे। आप पेपर में करने लायक कब बनते हैं, जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो हर सब्जेक्ट की यही बात है, तो जब आप खुद से करते हो, सेल्फ स्टडी करोगे इन चैप्टर्स की बार 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 बार, तो तब आपको ये अच्छे से करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन।
क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले पांच टर्म बतानी है, उन्होंने कहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, जो टर्म उन्होंने इंडिकेट की हुई है, पूछी हुई है, वो बतानी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेवंथ है कि ए एन इक्वल टू है फोर एन माइनस थ्री, और इसके आगे जो उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है ए सेवनटीन और ए ट्वेंटी फोर, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए सेवनटीन और ए ट्वेंटी फोर हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए सेवनटीन, सेवनटीन का मतलब क्या हुआ कि एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, सेवनटीन, तो फोर मल्टीप्लाई सेवनटीन, फोर एन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, और माइनस थ्री। अब बहुत ध्यान से करना है कि पहले हमें मल्टीप्लाई सोल्व करनी होती है, फिर हम प्लस या माइनस सोल्व करते हैं। तो वैसे भी फोर के साथ सेवनटीन की मल्टीप्लाई है, आपने सेवनटीन में से तीन माइनस नहीं करना, पहले आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज 65। तो ए 17 की जो वैल्यू आई है, यानी कि 17 टर्म्स, यानी कि अगर हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ते जाए ए वन ए टू ए थ्री, तो जो सतारवी टर्म होगी, सतारवा पद होगा, वो आ जाएगा 65। ऐसे में 24 फाइंड आउट करना है। तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 24। तो पहले 24 और 4 की मल्टीप्लाई होगी 93, तो ए 24 आ जाता है 93। तो इस तरह से हमने जो हमारे टर्म्स हमसे पूछी हैं, इंडिकेटेड टर्म्स, हमने फाइंड आउट कर दी हैं। नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर बाय टू टू द पावर एन। एन स्क्वायर बाय टू टू दी पावर एन, यहाँ पर एन की पावर टू है और यहाँ पर टू की पावर एन है। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना होता है कि कोई हम मिक्सिंग ना कर दे। और हमें जो पूछा गया है वो पूछा है ए सेवन, तो ए सेवन कैसे आएगा जब एन की जगह क्या पुट करोगे आप, सेवन, तो सेवन का स्क्वायर बाय टू टू दी पावर सेवन। अब सेवन का स्क्वायर का मतलब सेवन मल्टीप्लाई सेवन, यानी कि 49। अब 2 की पावर 7 का मतलब कि 2 को आपने 7 टाइम मल्टीप्लाई करनी है। तो इन क्वेश्चंस में अगर हमारी जो पावर है ये ज्यादा होती है, तो आप इसको 2 की पावर 7 भी कर सकते हैं, ऐसे ही आंसर भी दे सकते हैं, दिस इज द राइट आंसर। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, ए एन, ए एन गिवन है माइनस वन टू दी पावर एन माइनस वन, और इनटू में लिखा हुआ है एन क्यूब, और हमसे पूछा गया है ए नाइन, ए नाइन, तो ए नाइन का मतलब क्या हुआ कि एन की जगह क्या पुट करना है अब नाइन, तो माइनस वन टू दी पावर नाइन माइनस वन, और इनटू में है नाइन का क्यूब, माइनस वन की पावर एट, और नाइन क्यूब का मतलब क्या है, नाइन नाइन नाइन। अब माइनस की पावर सम संख्या है, आठ सम संख्या होती है, माइनस की पावर सम संख्या है, तो प्लस बन जाएगा, और नो नो नो, नाइन 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 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन नाइन जा 81 और 81 नाइन जा 729। तो ए जो नाइन है इसकी वैल्यू रहती है यहां पर 729। क्वेश्चन नंबर टेंथ है, ए एन दिया हुआ है हमें एन एन माइनस टू बाय एन प्लस थ्री, एन एन माइनस टू बाय एन प्लस थ्री, और फाइंड आउट करना है ए 20। ए एन इक्वल टू एन एन माइनस टू बाय एन प्लस थ्री, और फाइंड आउट करना है ए 20। तब ए 20 का मतलब क्या होगा कि एन की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा, 20, तो पुट करेंगे 20 माइनस टू बाय 20 प्लस थ्री, तो 20 मल्टीप्लाई 20 माइनस टू इज 18 बाय 20 प्लस थ्री इज 23, तो 360 बाय 23,
ये आ जाती है 820 की वैल्यू। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जिसमें पूछा गया था कि फाइंड द इंडिकेटिव टर्म। इंडिकेट का मतलब जो उन्होंने दी होती है, जो इंडिकेट की हुई है, जो हमसे पूछी गई है, और वो हमने कर दी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आप प्रोसेस का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन क्वेश्चंस हैं 11 to 13। तो 11, 12 और 13th क्वेश्चन में हमने फर्स्ट 5 टर्म्स ही बताने हैं, पहली 5 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है। A1 गिवन है हमें 3, A1 इक्वल टू 3 गिवन है। फिर आपको An दिया हुआ है, An दिया हुआ है 3An-1, 3An-1 प्लस 2, N-1 प्लस 2, और फॉर ऑल उन्होंने लिखा हुआ है कि N ग्रेटर देन 1, ये लिखा हुआ है, ये सिंबल है। N जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें A1 तो दिया हुआ ही है। अब हम हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि वही पहले की तरह A1, A2, A3, A4 एंड A5। अब A1 तो हमें गिवन है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A2। A2 के लिए n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2। तो जब हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 3A2-1 और ये ऊपर है प्लस 2, देन 3A2-1 इज 1, या गया 3A1, और A1 की वैल्यू हमें पता है 3, तो 3 × 3 + 2, पहले इनकी मल्टीप्लाई करोगे और फिर आती है वैल्यू, तो ये आ जाती है वैल्यू A2 की। दोबारा देख लीजिए, An गिवन है 3A(n-1) + 2, और n हम जब 2 रखेंगे तो 2 रखोगे तो 2-1 = 1, तो A1 आ जाएगा यहाँ पर प्लस 2। अब A1 हमें पहले से ही गिवन है 3, तो वैल्यू पुट करोगे तो A2 की वैल्यू आती है 11। ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे A3। A3 के लिए इसमें ये हमारा क्वेश्चन गिवन था, तो 3 रखोगे यहाँ पर 3A, और ये क्या बन जाएगा इस बार 2, 3A2 + 2। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी है, A2 की, और A2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं 11, तो 3 × 11 + 2, 11 × 3 = 33 + 2 = 35, यानी कि A3 की वैल्यू आती है 35। ऐसे ही हमें फाइंड आउट करनी है A4 एंड A5। नाउ A4 के लिए आप क्या रखोगे यहाँ पर, 4। जब 4 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3, तो 3A3 + 2, और A3 कितना आया है 35, यानी कि जो हमें पुट करना है वो वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। एक बार हमें A1 गिवन है और फिर हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 107। ऐसे ही A5, 3A4, तो A4 हम फाइंड आउट कर चुके हैं 323। दिस इज द वैल्यू ऑफ A5, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में पहली 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, और उन्होंने हमें फर्स्ट टर्म गिवन थी A1, तो हमने A2 से स्टार्ट किया है, A2, A3, A4 एंड A5, A3, A4 एंड A5, ये हमने फाइंड आउट किया। तो ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज क्वेश्चन नंबर 12 में ए एन दिया हुआ है, ए
एन माइनस वन बाय एन, ए एन माइनस वन बाय एन। और ए वन दिया हुआ है माइनस वन, ये हमें गिवन है, तो वही हमें ए टू निकालना है। पहले टू के लिए एन की वैल्यू टू पुट करोगे, तो जब टू पुट करेंगे यहां पर तो क्या आ जाएगा, ये टू माइनस वन इज वन, ए वन बाय एन की जगह टू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ए वन हमें पता है माइनस वन, यानी कि माइनस वन बाय टू। ए थ्री, ए थ्री के लिए जब थ्री पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर, ए टू, ए टू बाय थ्री, ए टू कितना है माइनस वन बाय टू और बाय थ्री, दैट इज माइनस वन बाय सिक्स। ए फोर, यहां पुट करोगे फोर तो ए थ्री बाय फोर, और ए थ्री कितना है माइनस वन बाय सिक्स बाय फोर, दैट इज माइनस वन बाय ट्वेंटी फोर। ए फाइव, फाइव के लिए क्या आ जाएगा यहां पर, ए फोर, और ए फोर कितना है माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फोर, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन अपॉन वन ट्वेंटी। तो ये वैल्यूज है हमारी ए टू, ए थ्री, ए फोर एंड ए फाइव की। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो पहले किया था हमने, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बेटा इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ जाएंगे, और आपने कोई भी अगर कोई भी दूसरी बुक लेकर इस टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें इसमें ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू टू दिया हुआ है। ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू टू, इसका मतलब क्या कि ए वन भी टू के इक्वल है और ए टू भी टू के इक्वल है, यानी कि हमें दो टर्म्स तो दे दी हैं और हमें तीन टर्म्स निकालनी बचती हैं आगे की, ए थ्री, ए फोर एंड ए फाइव। उसके लिए हमें ए एन दिया हुआ है, ए एन माइनस वन माइनस वन, ए ऑफ एन माइनस वन माइनस वन। अब टू टर्म्स हैं, वन और टू हमारे पास हैं, तो एन को क्या पुट करोगे, थ्री, एन की जगह रखेंगे हम थ्री, तो जब थ्री रखोगे एन की जगह पर तो ये बन जाएगा टू, यानी कि ए टू माइनस वन, और ए टू कितना है अपने पास टू है, तो ये टू माइनस वन दैट इज वन, यानी कि ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी वन। फिर हम इसमें ये हमें गिवन है ये वाली सीक्वेंस, यहां पर एन को क्या पुट करेंगे अब फोर, ए फोर, तो ये क्या बन जाएगा अब फोर माइनस वन माइनस वन, यानी कि ए थ्री माइनस वन, और ए थ्री कितना है हमारे पास वन माइनस वन दैट इज जीरो, यानी कि ए फोर की वैल्यू आ चुकी है जीरो। फिर ए फाइव, फाइव माइनस वन माइनस वन, ए फोर माइनस वन, और ए फोर कितना आ चुका है जीरो, तो जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन, तो ये आ जाती है आपकी ए टू, ए वन ए टू की वन है, ए थ्री, ए फोर और ए फाइव की वैल्यूज। तो जो वैल्यू हमें गिवन है, पहले क्वेश्चंस में ए वन गिवन था तो हमने एन की वैल्यू टू से स्टार्ट की थी, यहाँ पर वन और टू की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट और सेकंड टर्म हमें दी हुई है, तो हम एन की वैल्यू थ्री से स्टार्ट करेंगे, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है इस सीक्वेंस जो उन्होंने दे रखा है हमें टर्म, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि एन इज ग्रेटर देन टू, कि एन को हमने टू से ज्यादा ही रखना है तभी ये सीक्वेंस हमारी सेट होती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 14।
हमें A1 और A2, 1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2, यानी कि A1 और A2 दोनों की वैल्यू ही 1 दी हुई है। A1 इक्वल टू 1 एंड A2 इक्वल टू भी 1 दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि An इक्वल टू An माइनस 1 प्लस An माइनस 2, और यहां पर लिखा हुआ है कि N शुड बी ग्रेटर देन 2, N का मान हमें 2 से ज्यादा रखना है। फिर कुछ हमें आगे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो हमें आगे फाइंड आउट करना है वो हम इस साइड लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए एन प्लस 1 बाय एन, फाइंड ए एन प्लस 1 बाय एन फॉर एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो n इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं यहां पर तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 A2 बाय A1, 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 3, A3 बाय A2, 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 इज 4, A4 बाय A3, 4 रखेंगे तो A5 बाय A4, और 5 रखेंगे तो A6 बाय A5। हमें ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इन सब वैल्यूज के लिए हमारे पास A1 और A2 दो टर्म्स गिवन है, A1 और A2, और हमें A3, A4, A5 और A6 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसीलिए क्वेश्चन दो पार्ट में किया गया है ये, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज क्यों दी हुई है। यहाँ पर हमें an दिया हुआ है जिससे कि हम A3, A4, A5 और A6 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ले, और हमें मेनली क्या फाइंड आउट करना है कि an प्लस 1 बाय an, हमें ये रेशो, ये अनुपात हमें फाइंड आउट करना है n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए। तो पहले वैल्यूज निकालते हैं, फिर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। हम पुट करेंगे यहाँ पहले A1 और A2 हमारे पास है, तो वी पुट n इक्वल टू 3 और वी गेट A3। जब इनको 3 पुट करोगे तो A3 इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, A2 प्लस 3 माइनस 2 इज 1, A1, A2 प्लस A1, और A2 कितना है 1 और 1, तो A3 की वैल्यू कितनी आती है 2। ऐसे ही A4, जब इनको 4 पुट करेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा A3 प्लस 4 माइनस 2 इज 2, A2, A3 कितना आया है 2 और प्लस A2, A2 इज 1, तो A4 की वैल्यू आ जाएगी 3। A5 के लिए यहां पुट करोगे n इक्वल टू 5, 5 माइनस 1 इज 4 एंड 5 माइनस 2 इज 3, A4 की वैल्यू 3 और A3 की वैल्यू 2, तो A5 आता है 5 और A6, 6 माइनस 1 इज 5 प्लस 4, 5 की वैल्यू है 5 और ये 3 8, तो A6 आ जाता है हमारा 8। तो पहले हमें इस जो हमें an की वैल्यू गिवन है, तो an की वैल्यू गिवन है जहां पर हमें 1 और 2 गिवन है, a1 एंड a2, तो n की वैल्यू 3, 4, 5 एंड 6 रखकर हम पहले चार वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे a3, a4, a5 एंड a6 की, उसके बाद हमें ये रेशो फाइंड आउट करनी है an प्लस 1 बाय an। जब n की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2, a2 बाय a1, a2, अब वहां से देखेंगे आप a2 की वैल्यू कितनी है, 1 बाय 1 इक्वल टू 1, a3 इज 2, A4 is 3 and A3, A3 is 2, so that is 3 by 2, A5 is 5 or A4 is 3, that is 5 by 3 and A6 is 8 or this is 5, तो ये हमारी सब जो रेशोज मैंने पूछी थी हमसे वो आ चुकी हैं an plus 1 by an की रेशोज for n equal to 1, 2, 3, 4 and 5। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1।
सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज है और बहुत आसान से एक्सरसाइज है। इसमें से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही आते हैं जरूर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली ऑप्शन टाइप में इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो थैंक यू बेटा, और आपने जरूर रिवाइज करनी है ये। थैंक यू।